जय भारत हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म। दोस्तों, स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। जिस तरह से केकई ने किस तरह से राजा को बिल्कुल भिखारी की तरह बना दिया है, ये स्त्री का त्रिया चरित्र ही है। स्त्री के त्रिया चरित्र में जो फंसता है वो हमेशा धोखा खाता है, हमेशा नुकसान उठाता है। तो ये मेरा 14वां वीडियो है। इसमें कोप भवन में केकई बैठी हुई है और ये सूचना जब राजा को मिलती है कि रानी कोप भवन में है तो विचलित हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार केकई को ही करते थे राजा दशरथ। यूं तो कहने में तो 3 रानियां थी पर सबसे प्रिय रानी केकई थी, क्योंकि हर जगह उसने साथ दिया और केकई को राम से सर्वाधिक प्यार था, ये बात दशरथ जी जानते थे। तो वो जैसे ही कोप भवन पहुंचते हैं और हर तरह से रानी को मनाते हैं, बोलते हैं कि भाई केकई तू ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हो, तुम क्या चाहती हो। तो वो वचन में बांध लेती है कि आप जो भी मांगोगी वो आप मना तो नहीं करोगे। तो बिल्कुल मना नहीं करूँगा, तो फिर मैं 2 वर जो मेरे बाकी है वो मांगना चाहती हूँ। राम को 14 वर्ष मुनि वेश धारण करके और वनवास में रहना है, और बाकी भरत को गद्दी दे दो, राजगद्दी भरत को दे दो। तो दशरथ जी बोल एकदम मतलब मूर्छित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरी इतनी प्रिय रानी ऐसा कर सकती है। पर जब इंसान की नीयत खराब होती है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसका दशरथ पुराणों में भी रामायण जी में देखने को मिल ही रहा है ये, कि केकई किस तरह से बहकाव में आकर और अपने प्रिय राजा जो इतना चाहते थे उसको, और प्रिय माँ जो कि राम जी सबसे ज्यादा केकई के पास रहते थे, उनके उनके मन उनका भी मन चेंज हो सकता है, एक माँ का मन चेंज हो सकता है, और ये हुआ है। तो दशरथ जी का दिमाग काम नहीं करता है, चक्कर खा के गिर जाते हैं और फिर बहुत अनुनय विनय करते हैं कि देखो रानी, भरत को राजगद्दी देने में कोई दिक्कत नहीं, पर राम को 14 वर्ष आप मत भेजो। तो वो मानती नहीं है। तब राजा बोलते हैं कि देखो मैं इसके बाद जिंदा नहीं रहूंगा, पर किसी भी तरह से विचलित नहीं होती है केकई, और आखिर में वही होता है जो कि केकई चाहती थी। और राम को बुलवाया जाता है, और ये मैंने सीन बनाया है कोप भवन में केकई। तो कोप भवन में केकई पूरे बाल खुले रख के श्रृंगार सारा उतार दिया, सुहाग की निशानी उतार दी, और राजा दशरथ मनाते हुए केकई रानी केकई को, और ये लगभग 14वां पेंटिंग का पेंटिंग है। और ये शुरू से जो जो पेंटिंग बनती गई है मैंने उसका वीडियो बना के अपलोड किया है, जैसे कि ये बाल लीला है, शिक्षा है, ताड़काबद्ध, अहिल्या उद्धार, पुष्प वाटिका में राम सीता मिलन, धनुष तोड़ना, परशुराम संवाद, स्वयंवर, राम सीता स्वयंवर, राजा घोषित करना राम को, और मंथरा द्वारा केकई के कान भरना, और ये 14वां वीडियो अभी बन रहा है। तो दोस्तों, हमको भी हर तरह से सचेत रह के चलना चाहिए, कब किसका मन बदल जाए और कब ऐसे टाइम वार करे इंसान कि वो समझ नहीं सकता है। तो इस पेंटिंग से यही हमको शिक्षा मिलती है। पूरी रामायण जी में हर बात का, हर प्रश्न का जवाब है, और रिश्ते को कैसे जीना चाहिए ये सारा पूरी रामायण जी में खुला हुआ है। जो भी पढ़ेगा रामायण जी दिल से उसको सारे क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी पेंटिंग कैसे लग रही है, मेरे पहले जो स्केच के वीडियो बनाए हैं वो कैसे लगे, पेंटिंग कैसी लग रही है, आप मुझे अप्रिशिएट करें, मेरा हौसला अफजाई करें। ये मेरा संकल्प किसी लाभ के लिए नहीं है, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये मैंने खुद से संकल्प लेके हनुमान जी की प्रेरणा से शुरुआत की है। इसमें कोई मुझे सेल नहीं करनी है, सेल करने के लिए मैं ये पेंटिंग नहीं बना रहा हूँ। और सारे स्केच जो किए हैं
इमेजिनेशन से किए, जो अभी तक पढ़ा सुना देखा उसके आधार पे किए, किसी की कॉपी नहीं की है, सारे स्केच प्रिंट किए, ड्रेस उतार के नहीं किए। अगर कोई चैलेंज करता है तो मैं उसके सामने हर सब्जेक्ट बना सकता हूँ, जो भी वो बोलेगा वो सब्जेक्ट मैं बना सकता हूँ। तो दोस्तों, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो, अब मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इस यात्रा में सनातन धर्म की संपूर्ण रामायण जी की पेंटिंग की इस यात्रा में मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म, जय हिंद।